भाइयों और बहनों, जेएमएम कांग्रेस और वामपंथियों के लिए आपका विकास, आदिवासी क्षेत्रों का विकास कभी प्राथमिकता नहीं रहा है। यही कारण है कि आजादी के अनेक दशकों तक सड़क से अगर वंचित रहे हैं तो वो आदिवासी क्षेत्र रहे हैं, बिजली की सुविधा से अगर वंचित रहे हैं तो आदिवासी क्षेत्र के लोग रहे हैं, सिंचाई की सुविधा से वंचित रहे हैं तो आदिवासी इलाके के किसान रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जीने के लिए अगर कोई मजबूर रहा है तो आदिवासी क्षेत्र के परिवार रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे तो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे रहे हैं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए, 19 बरस के झारखंड के लिए ये स्थितियां हमें स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है, अब हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम भी भाजपा कर रही है, इस क्षेत्र को रेलवे से जोड़ने का और दुमका हवाई अड्डे को सुधारने का काम भी भाजपा सरकार कर रही है। झारखंड के हर किसान परिवार को हर वर्ष हजारों रुपए की सीधी मदद बैंक खाते में जमा करने का काम भी भाजपा ही कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र के हजारों किसानों को इसका बहुत लाभ हुआ है, खेती में उन्हें मदद मिली है। साथियों, झारखंड के आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा दूर तक जाना न पड़े, इसके लिए हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का संकल्प भी भाजपा की ही सरकार ने किया है। झारखंड में आईआईटी, एम्स जैसे उच्च शिक्षा के इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई के संस्थान खुले, ये काम भी भाजपा ने किया है। जबकि याद रखिएगा, कांग्रेस और जेएमएम की सरकारों ने तो यहां एम्स के लिए भी रोड अटकाने का काम किया था।